हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिभा, कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक दिवाली स्पेशल स्वीट्स रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम दूध से बनाएंगे। और बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि हम इसे घर में बनाएंगे तो ये एकदम 100% प्योर है और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बड़ी कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर बड़ी कढ़ाई ली हुई है, जिससे कि इसमें बॉयल आता है तो कढ़ाई से बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा इजी हो जाता है बनाना। और दूध में अच्छा सा उबाल आने देंगे और यहाँ पर हमें फुल क्रीम मिल्क लेना है। स्टार्टिंग में हम इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे, जिससे कि ये तली में चिपके नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है। और इसे हम इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से मीडियम टू हाई कर सकते हैं और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता पककर। तब तक हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसे इसी तरीके से पकाते रहेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, पकते पकते दूध हमारा जो है वो अब आधा रह गया है जितना हमने लिया था। तो अब यहाँ पर एक कटोरी में, छोटी कटोरी में मैंने 2-3 चम्मच पानी लिया हुआ है, उसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मिठाई बनेगी वो बहुत ही दानेदार बनेगी। तो डायरेक्ट हम नींबू को ऐसे नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके डालेंगे और इसे हम इस दूध में डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे जब इसे डालेंगे, और हल्के हाथ से हम इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि जो दूध होगा वो हल्का सा फट जाएगा। तो मिठाई हमारी जो बनेगी वो बहुत ही दानेदार बनेगी और दानेदार मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको लग रहा है कि दूध अभी नहीं फटा है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, दूध हमारा अच्छे से फट गया है। मतलब हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं फटना है, हल्के से दाने ही लाने हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे। मैंने लगभग 50 ग्राम की जितनी चीनी डाली हुई है, ये मुझे कम मीठा ये पसंद है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ी देर में चीनी बहुत जल्दी आराम से मेल्ट हो जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब लगातार चलाते रहेंगे और चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, मैंने इसमें 1/2 चम्मच देसी घी डाला हुआ है। इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल इसे मिल्क केक की तरीके ब्राउन बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा डालें। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये की कढ़ाई से चिपकना ना बंद हो जाए। और ये देखिए, अब ये काफ़ी थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है। तो अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो कटोरी को मैंने घी से ग्रीस कर लिया हुआ था, जिससे कि इसे निकालने में बहुत ही आसानी होगी। और ये देखिए, इसे हम इस तरीके से निकाल के हल्का सा डैप कर देंगे और स्पून से इसे थोड़ा सा बराबर कर देंगे। और इसे हम कवर करके 7-8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7-8 घंटे हो गए हैं और ये हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी लगती है, दानेदार। और इसे हम एक नाइफ की हेल्प से इसके किनारे को अलग कर लेंगे। अब हम ऊपर से एक प्लेट से कवर करेंगे और उल्टा कर देंगे और इसे हाथ से हल्का सा डैप करेंगे, जिससे ये बहुत ही आसानी से निकल आता है, क्योंकि हमने इसमें घी लगाया हुआ है। और ये देखिए, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट दूध की बर्फी बनके तैयार है। ये मार्केट से कहीं अच्छी है, ऊपर से हमने इसे थोड़ा सा बादाम से डेकोरेट कर दिया हुआ है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है।
आप इसे मिल्क केक भी बोल सकते हैं, बर्फी भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार बर्फी बाजार से भी अच्छी बन के तैयार है। इसे हमने इस तरीके से कट कर लिया हुआ है। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान है घर पर दूध से बर्फी बनाना। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी है, आप इस दिवाली में इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।